मौसम से पानी नहीं पड़ेगा तो सब खेती में मुश्किल हो जाएगा। पानी नहीं तो कैसे खेती करेंगे? घर के आसपास में पानी की कमी के कारण रबी फसल नहीं हो पाता है, खरीफ फसल हो जाता है। उसको फूल जैसा मंडुआ तो अभी खरीफ फसल में होता है तो सितंबर में काटते हैं, उसको फूल जैसा निकलता है तो उसको ऊपर ऊपर काट देते हैं और नीचे रह जाता है, उसका डंठल जो रहता है वो सड़ जाता है। आज हम ठिकुआ बनाने वाले हैं। तो गेहूं का आटा मंडुआ का आटा दोनों को मिला करके चून करके रखें, उसको डालेंगे, फिर सोहाड़ा डालेंगे, किशमिश डालेंगे और इलायची डालेंगे, पानी और गुड़ को गरम करके उसमें डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और सूखा नारियल का। इसके बाद अच्छा से हो जाएगा, अच्छा से गूंथ करके उसको इतना छोटा छोटा गोल करके उससे डिजाइन बना देंगे। और तेल में घी में डाल देंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे ना, ये हम जानते थे और मोबाइल में भी देखे हैं। उपेंद्र दादा आए तो बोले कि ये मंडुआ है तो ये सब लगाइए, तो इससे प्रोटीन मिलता है, इसमें खाद वगैरह नहीं लगता है, तो गाय का गोबर से ही हो जाता है। और उसको बीज बैंक में अभी खेती का समय आता है तो दादा लाके हम लोग को दे देते हैं फ्री में से। अभी 100 रुपया का खरीद के लाते बाजार जाते तो फिर हम लोग का टाइम भी तो बर्बाद हो जाता, तो दादा ही हम लोग को लाके दे देते। हम लोग ना कुछ छोड़ दे रहे थे, जैसे अरहर का, अरहर तो बहुत कोई छोड़ दे रहा था, तो अभी कुछ वो दादा बोले तो हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ पर जमा कर देते हैं तो फिर वही से ला देते हैं। घर में तो रखेंगे तो सब खा जाएंगे।